हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम्बुरा व्लॉग। सो आज है वुमेन्स डे, 8 मार्च। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। भारत की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बज रहे हैं 8 और अभी मैं भाई के साथ थोड़ा पार्क में घूमने जाऊंगी वॉक करने के लिए। अब गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए ना, तो जल्दी जल्दी नींद खुल जाती है और अब हम लोग वॉक पे जाएंगे। तो मैं आप सभी को अपने भाई से मिलाना भूल गई थी, तो फिर ये रहा मेरा भाई मोहित। अभी थोड़ा पढ़ रहा है तो मुझे इसको कन्विंस करना है पार्क जाने के लिए। टोपी तो पहन ले। अच्छा पहन ले, टोपी पहन ले। एक्चुअली उसके जनेऊ के टाइम पे उसका मुंडन हुआ था, तो फिर उसके बाल अभी आ गए हैं, थोड़े थोड़े आए हैं, तो फिर वो भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसलिए आ जा। पर ये वीडियो में डालूंगी। बोल, पार्क चल रहा है? हाँ चल रहा हूँ। चला चल चल। हाँ बाल आ गए देख। तो गाइस अब हम लोग, मैं और मेरा भाई सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करने आए हैं। देख इधर हम लोग वॉक करने आए हैं। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह वॉक करके, एक तो ठंडा ठंडा लगता है, बट इट फील। और यहाँ पे स्वान भी है। नहीं आएंगे वहाँ पे, करके रहेंगे। ये भी सीजन है ना आने का। तूने कब देखा? तूने कब देखा? तो मैं अब पार्क से घूम के आ चुकी हूँ भाई के साथ, और अब हम लोग जल्दी से फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर मैं अपने ऑफिस को निकलूँगी। भाई अपने कॉलेज जाएगा और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो मिलते हैं आपको ऑफिस से आने के बाद। तो यहाँ सर मेरे लिए मीठी टिक्कियाँ भी लेकर आए हैं। ये एक स्वीट डिश होती है, इनको कुंडे भी बोलते हैं। बहुत फ्रेश होकर आ चुकी हूँ और अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। और चूँकि आज वुमेन्स डे है, तो मैं मम्मी के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इसीलिए क्योंकि मम्मी को थोड़ा कम मीठा पसंद है और हमें शुगर कम खानी चाहिए, तो इसीलिए मम्मी के लिए डार्क चॉकलेट। अब मम्मी को देते हैं ये गिफ्ट में एज अ वुमेन्स डे। मम्मी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। मम्मी मेरे लिए पराठे बना रही है, हम लोग पराठे खाएंगे खीरे के रायते के साथ, जो पहाड़ियों का मेन है। एक्चुअली थोड़ा सा ही बचा है। अपना ब्रेकफास्ट लेके आ चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में बने हैं पराठे और खीरे का रायता, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो चलो हम अभी खाते हैं और फिर हम ऑफिस को निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। सो गाइस मैं अपने ऑफिस से आ चुकी हूँ और अब हम लोग करते हैं डिनर। डिनर के बाद बस थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, और फिर अच्छी सी नींद क्योंकि सैटरडे और संडे है, ऑफिस का ऑफ होता है, और मैं घर में बैठ के रेस्ट करूँगी। तो ये मम्मी ने बनाई है गांव की गटरी की सब्जी, जो पापा गांव से लेकर आए थे, और ये है लाई की सब्जी जो मैंने ये भी पापा गांव से लेकर आए थे। और एक और चीज़, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा यही वाली स्वेटर क्यों पहनती हूँ, बिकॉज़ ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है खुद अपने हाथों से बुन के, और क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत फिट है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो मुझे ये वाली स्वेटर पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरी एक फेवरेट स्वेटर है, और इसका जो ये पेस्टल कलर है ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बस यही एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है मेरा ये स्वेटर पहनने का। तो यहीं पर ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। सो मच फॉर वॉचिंग नीलम बोरा व्लॉग्स। आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।